वायग्रा, टाडालाफिल, ये सब दवाइयाँ लोग लेते हैं, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि जो सेक्स की जो दवाइयां हैं इरेक्शन लाने की, वो दवाइयां मार्केट में इजीली मिल जाती है, कोई भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिलती है, इसलिए लोग खरीदते हैं और लेते हैं। मगर इसके बारे में लोगों को जानकारी होना अति आवश्यक है। फ़ायदा है, नुकसान है, कितना फ़ायदा है, कब लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब सभी मालूम होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं जानकारी आज देने वाला हूँ। ये जो है ना, ये गोलियों का मतलब सिल्डानाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, एवानाफिल, ये सब फिल है, जिसके आगे फिल आता है FIL फिल, वो सब यही PDE5 इनहिबिटर्स, ये नाम से, ये कॉमन नेम है उनका, PDE5 इनहिबिटर्स ये नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग मिलीग्राम्स की है, सिल्डानाफिल जैसा 25 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक है, टाडालाफिल 2.5 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम तक है, वर्दानाफिल 10-20 मिलीग्राम की है, एवानाफिल मिलती नहीं जल्दी। तो जो है ये PDE5 इनहिबिटर करके जाने जाती है, मतलब ये कॉमन नाम उनका जो है। हमारे शरीर में PDE5 नाम का एक एंजाइम है, और ये PDE5 एंजाइम जो है ना, इसका एक विशिष्ट काम है। शरीर में हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, इनो, जो सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल स्टिमुलेशन से उसका स्त्राव होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, तो उसका कन्वर्शन साइक्लिक GMP में होता है। तो साइक्लिक GMP में जब उसका कन्वर्शन होता है, तो साइक्लिक GMP क्या करता है, साइक्लिक GMP खून की नलियां मोटे करने में मदद करता है, खून की नलियां चौड़ी करता है, मोटा करता है। और खून की नलियां जब साइक्लिक GMP मोटी करता है, चौड़ी करते हैं, तो नेचुरली लिंग में ज्यादा खून घुस जाता है और लिंग कठोर हो जाता है। तो PDE5 एंजाइम क्या करता है कि साइक्लिक GMP को तोड़ने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब साइक्लिक GMP का काम क्या है, नलियां मोटी करना। साइक्लिक GMP को तोड़ता कौन है, PDE5। तो अभी PDE5 कोई काम नहीं करने दिया, तो साइक्लिक GMP ज्यादा समय तक काम करेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि PDE5 इनहिबिटर की गोलियां तैयार की, कि जो PDE5 एंजाइम को तोड़ेगा नहीं, और वो जो तोड़ेगा नहीं तो साइक्लिक GMP जो है वो लंबे समय तक चलेगा। ये सब गोलियों का नाम कॉमन जो है वो है PDE5 इनहिबिटर्स, ये सभी को बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। PDE5 नाम का हमारे शरीर में एंजाइम होता है, और ये PDE5 का काम होता है साइक्लिक GMP को तोड़ना, साइक्लिक GMP को तोड़ना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। साइक्लिक GMP का काम क्या है, साइक्लिक GMP का काम है कि हमारी खून की नलियों को मोटा करना, रिलैक्स करना, ताकि लिंग में ज्यादा खून अंदर घुस सके। अब साइक्लिक GMP को तोड़ना हमने रोक दिया, तो साइक्लिक GMP ज्यादा काम कर सकेगा, साइक्लिक GMP ज्यादा काम कर सकेगा, खून की नलियां मोटी रहेंगी ज्यादा समय तक, अंदर ज्यादा खून घुसेगा। तो साइक्लिक GMP को ज्यादा काम करना है, मतलब उसका तोड़ना, नष्ट करना है, और तोड़ता कौन है, PDE5 एंजाइम। अब PDE5 एंजाइम उसको तोड़ता है साइक्लिक GMP को, हमने क्या किया कि PDE5 को उसका काम रोक दिया। PDE5 का काम किसने रोका, PDE5 इनहिबिटर्स ने रोका, मतलब ये दवाई ने रोका। मतलब ये देखो सीक्वेंस क्या है कि हम PDE5 इनहिबिटर्स, ये सिल्डानाफिल, टाडालाफिल लेते हैं, जिससे PDE5 एंजाइम जो है वो काम नहीं करता, वो काम नहीं किया तो साइक्लिक GMP ज़्यादा समय तक काम करेगा, साइक्लिक GMP ज़्यादा समय तक काम करेगा तो खून की नलियां जो है मोटी रहेगी और खून अंदर घुसेगा। साइक्लिक GMP कहाँ से आता है, साइक्लिक GMP आता है नाइट्रिक ऑक्साइड से।
नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्त्राव कहाँ से होता है, जब दिमाग में विचार सेक्स के आएंगे, रुचि निर्माण होगी, इंटरेस्ट निर्माण होगा, एक्साइटमेंट होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। अब इसका ही मतलब ये हो गया कि यदि दिमाग में विचार ही नहीं है, दिमाग में निराशा है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, सेक्स का स्टिमुलेशन नहीं, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रहेगा तो ये सिल्डेनाफिल टाडालाफिल दवाई काम बिल्कुल नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये होना जरूरी है पहले, तो रुचि होना जरूरी है। अब खून की नलियों को चौड़ा करने का काम जो है ये दवाइयाँ करती है, मगर अभी ये इजीली अवेलेबल भी है, होता भी है, मगर उसके लिए जरूरी है कि यहाँ एक्साइटमेंट आना जरूरी है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि दवाई लेते हैं तो दवाई लेने के बाद में आपने फोर प्ले करना, खेलना 5, 10, 15, 20 मिनट तक जरूरी है, वो स्पेस में रहना जरूरी है, वो वातावरण में रहना जरूरी है, ताकि ये दवाइयों का असर होगा। ये दवाइयों का जो है ना, ये अचानक उसका शोर लग गया। बीपी के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए दवाई दे रहे थे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, और उनका ब्लड प्रेशर तो कम हुआ, मगर वो लोगों ने कंप्लेंट किया कि हमको इरेक्शन भी आ रहा है, तो ऐसा अचानक शोर लग गया। मगर ये दवाई लेते हैं, इरेक्शन भी आता है, मगर उसमें साइड इफेक्ट्स, एक तो बीपी कम हो जाता है, सर दर्द है, सिर में भारीपन है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, नाक फुला सा होता है, बंद जैसा हो जाता है, देखने में समस्या आती है, तो ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में हमने एक स्पेशल तैयार किया हुआ है कॉम्बिनेशन दवाइयों का, वो देते हैं, ताकि ये जो वायग्रा जैसी दवाई है इसका साइड इफेक्ट ना होए। एसिडिटी भी होती है ये दवाइयों से, तो ये उसका साइड इफेक्ट ना होए, ऐसे हम पहले से ही दवाई दे के रखते हैं। इससे और क्या होता है, इससे और नुकसान ये होता है कि कभी कभी इतना टाइटनेस आता है। अभी परसों ही मुझे एक कॉल आया जम्मू कश्मीर से, बोले मैंने दवाई लिया था और टाइटनेस इतना आ गया कि अभी वो ढिला ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला जल्दी डॉक्टर के पास में जाओ और जल्दी उसको ढीला कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय तक, यानी पेनिस लिंग यदि कठोर रहेगा तो बाद में वो काला पड़ेगा और प्रॉब्लम आ जाएगा, बाद में हरदम के लिए नपुंसक हो जाएगी। तो ये एक साइड इफेक्ट है, प्रायपिज्म बोलते हैं इसको, उसकी लत भी लग जाती है, दिमाग में ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं वो तो होना ही, और लत लग गई कि उसके सिवा जमते हैं नहीं, कठोरता आती नहीं, तो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जैसा हो जाता है, तो बार बार लेनी पड़ेगी। इसका ये भी प्रॉब्लम है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होती है, अंदर कोई दवाइयाँ चालू है, ये भी दवाई ले लिया तो बीपी सडनली फॉल हो सकता है, हार्ट के ऊपर असर हो सकता है, तो ये सब ख्याल में रखना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, काउंटर पे जाके दवाई लेना नहीं है। जो लोगों को एलर्जी है तो उन्होंने भी नहीं लेना है ये दवाई, एलर्जिक रिएक्शंस आती है तो। नाइट्रेट जो लोग खा रहे हैं उन्होंने दवाई लेनी नहीं है। जिनका हार्ट कमज़ोर है, दिल का दौरा पहले आ चुका है और बीपी की दवाई ले रहे हैं तो नहीं, और जिनका लिंग का टेढ़ापन हो चुका है, पायरोनिस डिसीज है, तो उन्होंने भी ये दवाई लेनी नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई डॉक्टर से कंसल्ट करो और बाद में दवाई लोइए। टाडालाफिल रहो, मतलब सियालिस है, वायग्रा है, जो भी लेते हैं आप, तो फिर इसके लिए नेचुरल लेना चाहिए ना। नेचुरल दवाइयाँ जो है, जो आयुर्वेदा में बोली हुई है और नेचुरल है, कुदरत, ये वो दवाई आप लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो उसमें आते हैं हॉर्नी गोटवीड, ब्लैक जिंजर, ओसेज ऑरेंज, ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस, तो ये आप लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, सेहत भी अच्छी होती है और सेक्स लाइफ भी अच्छा हो सकता है। देखिए, बहुत सारे सेक्स प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल है। 50 की उम्र के पहले, 40 की उम्र के पहले जितने भी सेक्स प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल है, मतलब जल्दी निकल जाना साइकोलॉजिकल, कठोरता नहीं आना साइकोलॉजिकल। तो आप यदि हमें कंसल्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि मूल कारण क्या है, और मूल कारण यदि मालूम पड़ गया कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, गलत फहमियाँ हैं, लाइफ स्टाइल ठीक करना है, तो यदि आप ठीक करते हैं तो दवाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर लोगों का कहते नहीं नहीं वो बाकी कुछ मत बताओ, हमको जल्दी दवाई दे दो, दवाई दे दो। लोगों का सब फोर्स दवाई के ऊपर रहता है, और हमारा फोर्स बार बार होता है कि दवाई टेम्पररी है, आप मूल कारण उसका निकालो और उसका इलाज करेंगे तो आपको बाद में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दवाई के इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, खर्चे भी आते हैं, महंगी भी दवाई है। तो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली
आपको नेचुरली कुदरती सेक्स लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे से, 1-to-1 बात करनी है, कंसल्टेशन लेना है, यहाँ आना है, हमारे प्रोग्राम्स में आना है, वेबिनार्स होते रहते हैं फ्री, उसमें भी आप आइएगा और ज़रूर आपके प्रॉब्लम का इलाज करो। भले जल्दी निकल जाना, टाइटनेस नहीं आना, हस्तमैथुन की लत लगना, चिपचिपा पानी आना, रात में निकल जाना वीर्य, होमोसेक्सुअलिटी की वजह से आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में हैं, तो ऐसे सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।